हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोज़गार दैनिक समाचार में। तो ये खबर रही आपके स्क्रीन पर और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसे अगर आप खबर देखना पसंद करते हैं तो ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा, अन्यथा वीडियो को स्किप कीजिएगा। काउंसलिंग के बाद प्रतीक्षा सूची से 953 शिक्षकों को मिली तैनाती और प्रयागराज सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एडेड विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और पीजीटी भर्ती 2021 की प्रतीक्षा सूची के 953 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का जो आवंटन है उसकी सूची जारी कर दी गई है। और निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर महेंद्र देव तक ये बातें 4 सितंबर को ही इसके निर्देश में हुई थी। आवंटन सूची की विभाग की जो वेबसाइट है www.mad, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ दोस्तों, ये देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं रिक्त पदों के जो प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 17 से 26 जुलाई तक काउंसलिंग कराई गई और निदेशक ने सभी जिला विद्यालयों में निरीक्षक के चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख का सत्यापन निर्धारित समय करने का निर्देश भी दिया। और गौरतलब है कि इसके पूर्व टीजीटी पीजीटी 2016 के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची में 187 शिक्षकों को विद्यालय आवंटन किया जा रहा है। ये देख सकते हैं, ब्यूरो की रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वहीं पर एक बड़ी खबर है, लोग खुशियां मना रहे हैं। लोग बोले तो जो डीएलएड कैंडिडेट हैं कि बीएड को प्राथमिक से प्राइमरी से बाहर कर दिया गया, बट वहीं पर उनके लिए एक समस्या ये बन रही है कि अगर जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती नहीं आई तो उनकी भीड़ फिर से बढ़ती जा रही है। इस बार यानी कि 2023 के लिए बम्पर आवेदन हो चुके हैं, जैसे ही डेट बढ़ा ये देख सकते हैं 3,36,000 लोगों का फीस पेमेंट हो चुका है। 5.5 लाख लोगों ने आवेदन किया था, हालांकि 2 लाख लगभग लोगों ने फीस पेमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से 3.36 यानी कि 3,36,000 लोगों का फॉर्म कंप्लीट है। और जो एक वर्ष में डीएलएड की सीटें हैं 2,33,000 सीटें होती हैं, तो समझ सकते हैं कि सीट से 1.25 लाख जो है बच्चे एक्स्ट्रा हो गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस अकॉर्डिंग भीड़ है। अगर ऐसे ही रहा तो बच्चों की तादाद बढ़ती जाएगी, हालांकि पहले ही लगभग 4 से 5 लाख जो बीटीसी करके बैठे हुए हैं अभ्यर्थी, और 2 लाख अगर हर साल आएंगे तो आप समझ सकते हैं वैकेंसी आने का कोई नामो निशान नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये काफ़ी एक विडम्बना कह सकते हैं, काफ़ी दयनीय स्थिति कह सकते हैं। इसके लिए आपको संघर्ष करने की ज़रूरत है। जो भी आपकी संस्था है, जो भी आपका संगठन, उसका साथ दें, रैली में जाएं, धरना प्रदर्शन करें, क्योंकि ये सरकार आपकी प्राथमिक भर्ती 2018 से ही नहीं दे रही है, जिससे बच्चे काफ़ी एकत्रित हो रहे हैं और बेरोजगारी का आलम कुछ इस तरह से बना हुआ है। और वहीं पर अगर हम अगली खबर की बात करें दोस्तों, तो ये रही आपके स्क्रीन पर एक बड़ी खबर, देख सकते हैं सीट से 1,05,820 अभ्यर्थी अधिक हो चुके हैं। और सीटें जो आपकी होती हैं ये देख सकते हैं 2,33,350 अभ्यर्थी हर साल बीटीसी के लिए आवेदन कर रहे हैं और नामांकन भी कर रहे हैं। ये ब्यूरो की रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर पूरी दिखाई जा रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीजी छात्रों को छात्रावास आवंटन नहीं हो रहा है, जिससे वो परेशान हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया अंतिम दौर पर पहुंच गई है, पर अभी तक प्रवेश लेने वाले छात्रों को छात्रावास नहीं मिला है और कई छात्रावासों में कमरे खाली होने के बाद भी आवंटन शुरू ना होने के कारण छात्र परेशान हैं और अब ठिकाना तलाश रहे हैं। सत्र 2022-23 में प्रवेश में देरी के कारण छात्रों को इस वर्ष जनवरी में कमरे का आवंटन हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रिपोर्ट है। और अगली खबर की अगर हम बात करें तो 3 बार आवंटन व स्पेशल राउंड के बाद भी 3,000 सीटें खाली रह चुकी हैं। आज से शुरू होने वाले स्पॉट राउंड 2 में सभी सीटें भरने की संभावना है, ये रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर है। ये नई दिल्ली विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के बात की जा रही है। सीटें बचने पर आगे स्पॉट राउंड निकालने का फैसला भी रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रमुख खबरें आपकी स्क्रीन पर। RPSC ने जारी किया विज्ञापन, जिसमें लाइब्रेरियन, फिजिकल ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्टर आदि के पद रिक्त हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये देख सकते हैं 533 पदों की भर्ती है। आवेदन की तिथि की बात करें तो 5 अक्टूबर 2023 ऑनलाइन प्रक्रिया है, वेबसाइट आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। वहीं पर भारतीय कंपनी के सचिव के संस्थान के लिए पद आए हुए हैं, ये देख सकते हैं। और ये आपके इधर संभावनाएं हैं 37 पद के, तो वेबसाइट आपके स्क्रीन पर ये देखिए, दोनों वेबसाइट दिख रही हैं। आप इस वेबसाइट पर डिटेल में जानकारी लेके फॉर्म को फिल कर सकते हैं और डेट भी आपके स्क्रीन पर दिया गया है। तो इस तरह से आज की बुलेटिन यहीं पर संपन्न होती है। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में बॉक्स में जरूर मेंशन करें और ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।